नमस्कार, मैं अर्पित कपूर अपने इस YouTube चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को हाउ टू क्रिएट अ जार फाइल, जार फाइल कैसे बनाई जाती है नेटबीन्स के अंदर, जावा के अंदर, वो सिखाऊंगा। देखिए, आप लोग प्रोजेक्ट तो बना लेते हैं लेकिन देखिए, प्रोजेक्ट बनाने के बाद, सॉफ्टवेयर बनाने के बाद उसको आप किसी को सेल करते हैं, किसी को देते हैं, तो ऑब्वियसली बात है वो सॉफ्टवेयर उसके पास जाना चाहिए, उसका सोर्स कोड नहीं जाना चाहिए उसके पास में, जिसको भी आप सेल करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जार फाइल बना लेते हैं। देखिए, जब आप लोग डॉट नेट के अंदर काम करते हैं या फिर माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी लैंग्वेज एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जब कोई सॉफ्टवेयर बिल्टअप कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर डॉट ई एक्स ई फाइल बनती है। जावा के अंदर आपकी जार फाइल बनती है, तो ई एक्स ई फाइल का और जार फाइल का दोनों का सेम ही काम होता है। जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर लेके आते हैं अपनी पेन ड्राइव में या सी डी के अंदर, डी वी डी के अंदर, वो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करते हैं, तो वो उसकी ई एक्स ई फाइल होती है, वो ई एक्स ई फाइल इंस्टॉल होती है, और वो जावा के अंदर बना हुआ होता है तो फिर उसकी जार फाइल होती है, उसको आप लोग इंस्टॉल करते हैं। तो वो चीज़ कैसे बनाई जाती है, बहुत आसान है। चलिए एक छोटी सी एक एप्लीकेशन बना के दिखाता हूँ, फिर उसकी अपन जार फाइल बनाएंगे। फाइल के अंदर गए, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर गए, आप लोग चाहो तो यहाँ पर भी जा सकते हो, यहाँ पर भी आपका न्यू प्रोजेक्ट बन जाता है। देन जावा एप्लीकेशन, पहली पहला वाला जो जावा एप्लीकेशन होता है वो सेलेक्ट करना होता है। देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट वन। फिर आप इसमें, अगर आप लोगों को बनानी है जार फाइल बनानी है, तो आप लोगों को क्लास फाइल बनानी पड़ेगी। हमेशा मैं ये एडवाइस देता हूँ कि इसको अनचेक कर दीजिएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट या फिनिश के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा। लेकिन इस बार हमें जार फाइल बनानी है, तो इस फाइल की तो हमें ज़रूरत पड़ेगी पड़ेगी। तो देन क्लिक ऑन द फिनिश वन। उसके बाद हम लोग एक एप्लीकेशन बनाएंगे और फिर उसकी हम लोग जार फाइल बना के दिखाऊंगा मैं आप लोगों को। ये देखिए, क्लास फाइल खुल गई। क्लास फाइल की अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी 2 मिनट बाद में रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो उसको मैं बंद कर देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग ये प्लस वाला जो साइन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, सोर्स पैकेज के ऊपर भी ये प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके प्लस साइन के ऊपर भी क्लिक करते हैं। तो देखिए, ये अपन आपकी ये क्लास फाइल होती है, क्लास फाइल अभी आज काम में आएगी। न्यू पे गए, जावा फ्रेम फॉर्म के ऊपर क्लिक करें, फिर इसका नाम चाहो तो आप चेंज कर दो या यही रहने दो। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए ओके बटन ले लेता हूँ, जल्दी से बनाना सिखा देता हूँ आप लोगों को। और ओके बटन का साइज थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने अपने हिसाब से। देन उसके ऊपर एडिट कर दिया ओके। उसके बाद मैंने ले लिया लेबल, ले लेता हूँ मैं एक, और लेबल को मैं खाली कर देता हूँ थोड़ा। टेक्स्ट ओके, लेवल को मैं कर देता हूँ, लेवल के टेक्स्ट को हम लोग बड़ा कर देते हैं। तो उसकी यहाँ पर ये फॉन्ट है, फॉन्ट की प्रॉपर्टीज के ऊपर मैंने जाकर क्लिक किया, फिर उसके बाद मैंने इसके साइज़ को मैंने इंक्रीज कर दिया, 24 कर देता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ और एरियल फॉन्ट ले लेता हूँ, मेरा एरियल फॉन्ट ये ले लेता हूँ। क्लिक ऑन द ओके बटन। फिर इसके ओके बटन के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, डबल क्लिक का मतलब होता है दो बार जल्दी जल्दी क्लिक करना। इसको लाइन को डिलीट कर देते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर इसका लेबल का, लेबल जो वेरिएबल है इसका नेम क्या है, राइट क्लिक किया, देन चेंज वेरिएबल के ऊपर गए, तो जे लेबल वन है इसका नाम। तो यहाँ पर वापस से जाएंगे हम लोग, फिर इसका नाम जे लेबल, लेबल वन डॉट सेट टेक्स्ट, ये देखिए। अब इसके अंदर मैं कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया हेलो इंडिया, कुछ भी लिख दिया, इसको सेव किया मैंने, वापस से डिज़ाइन में गए, देन शिफ्ट और F6 दबाई अपन ने, इसको रन किया एप्लीकेशन को। देखिए ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दिया, हेलो इंडिया ठीक से लिखा हुआ नहीं आया,
इसको फील्ड को मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, लेवल को मैं सॉरी सेव करता हूँ, कंट्रोल एस सेव, शिफ्ट F6, अब ओके, हेलो इंडिया लिखा हुआ आ गया। और अब देखिए, अब मैं इस ये मैंने एक मान लीजिए एक एप्लीकेशन बनाई है, इसकी मैं जार फाइल बनाना चाहता हूँ। तो जार फाइल कैसे बनाई जाती है, उसका एक तरीका होता है। देखिए, हम लोग सोर्स में जाएंगे, सोर्स के अंदर देखिए नीचे नीचे मैं चले गया, सोर्स के अंदर नीचे नीचे जो चले गए, ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली ये जो लाइन जो होती है, इसके अंदर ये सोर्स कोड लिखा हुआ होता है। इस ये तीन लाइन का जो सोर्स कोड होता है, इसको कॉपी कीजिए, कंट्रोल सी कॉपी, और इसको बंद कर दीजिए। फिर ये देखिए, अपन इसको क्लास फाइल को खोलेंगे, क्लास फाइल यहाँ पर काम में आई है। अब इसके अंदर भी पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली लाइन है, लेकिन उसमें ये क्लास फाइल के अंदर वो सोर्स कोड नहीं है जो मेरा जो जे फ्रेम फॉर्म वाला जो जो फाइल थी उसके अंदर था। अब इसको यहाँ पर ला के पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम लोग देखिए इसको बंद कर देते हैं, सेव कर दिया, चाहो तो खोल लो। और फिर उसके बाद रन के अंदर जाएंगे, रन के अंदर ये चौथा ऑप्शन होता है क्लियर एंड बिल्ट, इसके ऊपर जाके क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आ गया कि जार फाइल बना रहा है, वो उसने जार फाइल बना दी है। अब बहुत से ऐसे वर्जन होते हैं जहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब में लिखा हुआ आ जाता है कि जार फाइल उसने कहाँ बनाई है, डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, कौन सी फाइल के अंदर, कौन से फोल्डर के अंदर कहाँ बनाई है उसने, ये सब लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन इस बार लिखा हुआ नहीं आया है, तो इसमें क्या करेंगे आप लोग, आप लोग डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर, माय डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये नेटबीन्स प्रोजेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए नेटबीन्स की जितनी भी फाइलें होती हैं वो यहीं पर ही सेव होती हैं। जो भी नए प्रोजेक्ट्स आप लोग बनाते हैं, जो भी नई फाइलें बनाते हैं नेटबीन्स के अंदर, जावा के अंदर, वो यहाँ पर सेव होती हैं। फिर देखिए यहाँ पर जावा एप्लीकेशन 6 वाला मैंने बनाया था। फिर DIXT वाला जो फोल्डर है, ये पहले बना हुआ नहीं होता है, जब जार फाइल बन जाती है तब ये DXT वाला फोल्डर जो होता है क्रिएट हो जाता है। इसको खोलेंगे, ये देखिए ये रही जार फाइल मेरी बन गई यहाँ पे। अब देखिए मैं इसको नेटबीन्स को मैं बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं इसको खोलता हूँ तो देखिए वही वाली एप्लीकेशन मेरी खुल जाएगी। देखिए ओके बटन दबाऊंगा, न्यू इंडिया सॉरी हेलो इंडिया लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से जार फाइल बनाई जाती है, और फिर इसी जार फाइल को आप लोग पेन ड्राइव में या CD में बर्न करके आप लोग किसी को भी कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं उसको सेल कर सकते हैं। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हाउ टू क्रिएट अ जार फाइल। कोई आप लोगों को जो भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं आपके हर रिप्लाई का जवाब दूंगा। धन्यवाद।